हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। वीडियो आज का सोशल साइंस का क्लास नाइन्थ का, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। डेट है आज के 13/8/2020 और वर्कशीट नंबर है 17। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पढ़ते हैं जरा इसको। प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स मेकिंग एंड क्रिएटिंग यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम यूजफुल प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब यूजफुल प्रोडक्ट क्या होते हैं? जैसे फैन, कूलर, मार्कर, मोबाइल, ऐसे बहुत सारे, चेयर, टेबल, मार्बल, ये सारी चीज़ें हमारी गुड्स कहलाती हैं। और सर्विसेज में टीचिंग, डॉक्टर, लॉयर, मेट्रो और इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं सर्विसेज की कैटेगरी में आती हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अब आपको कोई भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है तो आपको चार फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन की, जो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनको क्या, किस फॉर्म में जाना जाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो नाउ वी हैव लर्न दैट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एंड प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स मेकिंग एंड क्रिएटिंग यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दीज गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमंस एंड दैट इज अस। एंड एवरी प्रोडक्शन सर्विसेज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इन्हीं के बारे में आगे पढ़ेंगे। कैपिटल के बारे में दो चीज़ें और हैं, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। एंड व्हाट इज फिक्स कैपिटल? मशीनरी इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस गुड्स। फिक्स कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? मशीनें होती हैं, क्योंकि इनका हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं। एंड वर्किंग कैपिटल, दिस इज कॉल्ड कैश इन हैंड विद द प्रोड्यूसर एंड रॉ मटेरियल यूटिलाइज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? रॉ मटेरियल, जैसे कि शर्ट बनाने के लिए आ गया कॉटन, इसी तरह से अगर आप मशीन बनानी है तो आयरन, और कैश इन हैंड वर्किंग कैपिटल में जो डे टू डे एक्सपेंसेस को काम करता है, डे टू डे एक्सपेंसेस को फुलफिल करता है। और फिक्स कैपिटल होती है उस प्लांट में रखने वाली, यूज होने वाली मशीन्स। तो इनके दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं आगे। अब चार फैक्टर प्रोडक्शन है। फर्स्ट है लैंड, इसके बारे में जरा देखते हैं क्या लिखा है। लैंड, इट इंक्लूड्स लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। तो लैंड, नॉट ओनली लैंड, खाली जमीन नहीं है इसमें, इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाटर, जो इस पर पानी है, जो नदियों का पानी, पौंड का पानी है, फॉरेस्ट इस पर जो पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, और मिनरल्स जो बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ हमें पाए जाते हैं, दे आर ऑल्सो कम्बाइंड टूगेदर टू फॉर्म लैंड। इसके बाद है लेबर, इट मीन्स पीपल हु विल डू वर्क। लेबर में क्या क्या शामिल होता है? ऐसे लोग जो काम करेंगे या काम करने की इच्छा रखते हैं और काम करने को तैयार हैं। थर्ड जो है कैपिटल, वाइल ऑन दी अदर हैंड इट इंक्लूड्स टूल, मशीनरी एंड बिल्डिंग, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स कैपिटल। तो मशीन, टूल्स और बिल्डिंग क्या कहलाता है? फिक्स कैपिटल कहलाता है। ये टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग, इनको फिक्स कैपिटल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लंबे समय तक ये फिक्स कैपिटल यूज़ की जाती है। ऑन दी अदर हैंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड विच इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। कैश को और रॉ मटेरियल जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है बच्चों, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे वर्क के काम आए वर्किंग कैपिटल, और जो एक प्लेस पर फिक्स रहे और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करे वो कहलाती है फिक्स कैपिटल, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स कैपिटल। और इसमें होता है टूल्स जो लंबे समय तक यूज़ किए जाते हैं, मशीनरी और बिल्डिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, चार क्वेश्चन है। नेम द फोर फैक्टर प्रोडक्शन, देखिए लिखे हुए हैं यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। क्या क्या लिखे हुए हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चारों लिख लेना। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आइडेंटिफाई द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। मैन यानी कि लेबर काम कर रही है, रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, वर्किंग कैपिटल यूज़ हो रही है, और बिल्डिंग
बन रही है किसी लैंड पर, तो भूमि यानी कि लैंड भी यूज़ हो रही है, और इन सबको बनाने में लगती है स्किल यानी कि ह्यूमन कैपिटल, यानी कि चारों चीज़ें इसके अंदर यूज़ हो रही हैं इस पिक्चर के अंदर। तो आप चारों चीज़ें लिख सकते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज इसके अंदर आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच फैक्टर प्रोडक्शन इज डू प्रोडक्शन डू यू फाइंड द मोस्ट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड व्हाई? कौन सा ऐसा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज में से जो सबसे नेसेसिटी है और क्यों? इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, एंटरप्राइज जिसको ह्यूमन कैपिटल भी बोलते हैं, इट इज द ह्यूमन कैपिटल, ये वो मनुष्य है जो लैंड, लेबर, कैपिटल यानी कि जमीन का, कैश का और मशीनरी का यूज करता है। ऑल थ्री वर यूजलेस और ऑल थ्री विल बी यूजलेस इफ ह्यूमन इज नॉट एबल और ह्यूमन विल नॉट बी एबल टू यूज दैम। सो इट इज द ह्यूमन हु पुट्स टूगैदर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट आर लैंड, लेबर, कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इट इज एंटरप्राइज। वाई? बिकॉज बाय यूजिंग हिज स्किल अ ह्यूमन और अ ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइज ऑल थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट आर लैंड, लेबर, कैपिटल, इनका यूज़ करता है वो किस लिए? गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए। अब मेट्रो जैसे कि सर्विसेज में आती है, तो मेट्रो का यूज़ देखिए, ह्यूमन अपनी स्किल उसने यूज़ करी और रोड के ऊपर पिलर बना के एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर टाइप का बनाया गया जिस पर मेट्रो ट्रेन के ट्रैक्स ले डाउन किए गए और उस पर ट्रेन जो है वो चलती है। तो इसका मतलब ये स्किल चाहिए थी, लैंड थी वहाँ पे, कैपिटल थी वहाँ पर, मशीनरी थी, वर्किंग कैपिटल थी, कैश था। अगर एंटरप्राइज नहीं होता, स्किल नहीं होती, सो हाउ कुड दोज फैक्टर प्रोडक्शन बी यूज्ड? सो अल्टीमेटली वी कैन से इट इज़ द एंटरप्राइज, इट इज़ द ह्यूमन कैपिटल जो कि है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑल अमंग द ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर, ये है क्वेश्चन नंबर फोर। सेलेक्ट एनी वन ऑफ योर नेबर एंड राइट डाउन हिज एंड हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यू कैन नेम एज मैनी एज योर नेबर हु आर एंगेज इन सम टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्टिविटी और प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एक्टिविटी। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं जो कि या तो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा होगा या सर्विसेज का एंगेज होगा। जैसे कि अगर आपका पड़ोसी, अगर आपका कोई नेबर एक फार्मर है, तो फार्मर विल यूज़ हिज लैंड एंड रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल यानी कि और कैश भी यूज़ करेगा, बीज यूज़ करेगा टू प्रोड्यूस वीट एंड राइस ऑन हिज लैंड। एक एग्जाम्पल हो सकता है। इनके आंसर भी हमने लिखे हुए हैं, वो भी आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। चलिए उन आंसर की तरफ भी बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न ये है, नेम द फोर फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। सेकंड का आंसर क्या होगा? लैंड, लेबर, वर्किंग कैपिटल, एंटरप्राइज सभी के सभी वहां पर यूटिलाइज किए जा रहे थे। थर्ड था, विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डू यू फाइंड द मोस्ट नेसेसरी और नेसेसरी नेसेसिटी? इट इज ह्यूमन कैपिटल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज इट इज द ह्यूमन हु पुट्स टूगेदर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर क्या होगा? सेलेक्ट एनी वन ऑफ योर नेबर और उसकी एक्टिविटी बताना है कि क्या फैक्टर प्रोडक्शन में यूज कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो माई नेबर इज अ फार्मर एंड ही यूजेज हिज लैंड, हिज वर्किंग कैपिटल दैट इज कैश, रॉ मटेरियल विद हिज स्किल टू प्रोड्यूस वीट राइस इन हिज फील्ड। तो ये थे इनके आंसर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।